तो जय हिंद दोस्तों, मैं रवि गुप्ता फिर स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल A to Z फर्स्ट ब्लॉक में। जी हां, आपके लिए एक और वैकेंसी का वीडियो लेकर आया हूं। जी हां, CISF फायर का। जी हां, CISF में फायरमैन का ये वैकेंसी होने वाली है। अच्छा खासा पोस्ट है और सुनहरा मौका है आप लोगों को जॉब लेने के लिए। क्या प्रक्रिया होने वाली है, कितनी पोस्ट होने वाली है, कौन कौन से भर सकते हैं, क्या योग्यता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना हाइट चाहिए, रनिंग क्या होगा, आपके एग्जाम सिलेबस क्या होंगे, ए टू जेड पूरी जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली घंटी को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं CISF GD कांस्टेबल फायरमैन भर्ती 2024। ठीक है ना, कांस्टेबल फायरमैन भर्ती 2024 GD का ही है, लेकिन फायरमैन का इनका है फायर का काम। ठीक है ना, टोटल पोस्ट की देखिए यहां बात कर लेते हैं तो 1130 टोटल वैकेंसी है और सिर्फ किसके लिए है, मेल के लिए, सिर्फ पुरुष के लिए है। इसमें महिलाएं अप्लाई नहीं कर सकती है, सिर्फ पुरुष ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा बात करते हैं सीट देख लीजिए, जनरल के लिए 466 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 236, ईडब्ल्यूएस के लिए 114, एससी के लिए 153 और एसटी के लिए 161 टोटल पोस्ट होने वाला है। अलग अलग राज्य का अलग अलग पोस्ट है, मैं साइड में दिखा दूंगा, देख लीजिएगा पोस्ट वाइज अलग अलग स्टेट का अलग अलग पोस्ट दिया गया है, किस कैटेगरी का कितना पोस्ट दिया गया है देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन जो भी है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां भी आप जाके देख लीजिएगा। और बात करते हैं इसका अप्लाई कब से होने वाला है, मेन क्या है कि इसका अप्लाई कब से होने वाला है, तो अप्लाई देख लीजिए 31 अगस्त से आपका अप्लाई शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, और जो कि आपके 30 सितंबर तक अप्लाई किए जाएंगे, 30 सितंबर के 12 बजे तक, यानी 11:30 तक ये आपके अप्लाई चलेंगे। ठीक है ना, अब योग्यता कैसी है, अब अप्लाई के लिए योग्यता कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कॉम्पिटिशन देखिए बहुत कम होगा। जो बच्चे अगर अप्लाई करते हैं ना, इसमें कॉम्पिटिशन बहुत कम है, आपको जॉब लेने का 100% चांस है। अब देखिए क्या है इसमें योग्यता, देखिए 12वीं पास यानी इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, साइंस से होना चाहिए, देख लीजिए ऑलरेडी यहाँ क्या है, साइंस है। और आप नोटिस में भी देख लीजिएगा, अब जो बच्चे क्या है कि बहुत से बच्चे आर्ट्स वगैरह करके बैठे रहते हैं तो उनका क्या है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन जो साइंस होगा मैथमेटिक्स से होंगे उनका ही होगा, तो इसमें आपको पता चल गया कि कॉम्पिटिशन कितना कम होने वाला है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसमें उम्र, देख लीजिए उम्र क्या है, 18 से लेकर 23 साल तक आपका उम्र दिया गया, 18 से लेकर 23 साल तक बच्चे इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन वही बात कर लेते हैं आपके 3 साल ओबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए 5 साल का छूट दिया गया है। अब आपका डेट ऑफ बर्थ कब से कब के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं वो भी कंफ्यूज मैं दूर कर देता हूं। देखिए 1/10/2001 से लेके 30/9/2024 के बीच में जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है वो सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, 1/10/2001 से लेके 30/9/2024 के बीच में जितने भी कैंडिडेट हैं जो बच्चे अप्लाई करने वाले हैं उनका डेट ऑफ बर्थ है तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। वही देखिए फीस की बात कर लेता हूं तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए का फीस रखा गया, सिर्फ ओनली फॉर 100 रुपीज का फीस रखा गया, ज्यादा कोई फीस नहीं है, इसको अप्लाई कर लीजिएगा। वही एससी एसटी कैंडिडेट है तो आपको 0 रुपए का फीस है, कोई भी आपको फीस देने की आवश्यकता नहीं है और फीस आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, चाहे नेट बैंकिंग हो, डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, चाहे इंटरनेट बैंकिंग हो, यूपीआई वगैरह से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज और छूट रहा है, देख लीजिएगा पहले उम्र के लेके और एक बात करता हूं, जो बच्चे एक्स सर्विसमैन है या जो बच्चे किसी दंगा वगैरह में, जिसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए उम्र, देखिए एससी एसटी का 5 साल का छूट है, हो गया, ओबीसी के लिए 3 साल का छूट है जो आपको हमने बता दिया था। लेकिन वही अगर एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं, ठीक है ना, एक्स सर्विसमैन है तो आपको 3 साल का छूट है, लेकिन 1984 और 2002 के बीच में जो गुजरात में दंगा हुआ था उसपे जो भी डिपेंडेंट बच्चे हैं जिनके माता पिता अगर कैजुअलिटी मतलब एक्सपायर हो गए थे उनके लिए विशेष छूट रखा गया है। देखिए जनरल और ईडब्ल्यूएस के अगर बच्चे उसमें हैं गुजरात वाले के लिए तो 5 साल का छूट है, ओबीसी के लिए 8 साल का छूट है, एससी एसटी के लिए 10 साल का छूट है, लेकिन कब का, ये 1984 से लेकर 2002 के बीच में जो दंगे हुए थे गुजरात में उसमें अगर जो बच्चे का फादर माता या जो भी एक्सपायर करे हो गए होंगे और उनको उस समय एक डॉक्यूमेंट दिया गया हो था, अगर वो सम्मिलित करते हैं तो आपके ये एज में छूट दिए जाएंगे। अब चलिए बात करते हैं, तो सारा डाटा हो गया फॉर्म आपका अप्लाई करने का,
अब इसमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इक्वेलेंसी टेस्ट यानी आपका क्या होने वाला और एग्जाम क्या होने वाला देखिएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी हाइट वेट क्या होने वाला है, देखिए हाइट आपका 170 सेंटीमीटर चाहिए भैया जीडी के बराबर ही, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ठीक है ना, या जनरल के हो, 170 सेंटीमीटर आपका चाहिए। चेस्ट की बात करता हूं तो 80 से लेकर 85 सेंटीमीटर। वही अगर हिल एरिया के रहने वाले हैं, ठीक है ना, जैसे मणिपुर, असम, त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट, जो भी हिल एरिया के रहने वाले हैं, ठीक है ना, तो 165 सेंटीमीटर और 78 से लेकर 83 सेंटीमीटर आपका चेस्ट चाहिए। वही ट्रिबल और आदिवासी क्षेत्र के अगर रहने वाले हैं, ठीक है ना, जैसे आदिवासी क्षेत्र में, जैसे आप झारखंड वगैरह में जो भी आदिवासी क्षेत्र से जंगली इलाके से जो आते हैं उनका देखिए 162.5 यानी 62.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और 77 से लेकर 82 सेंटीमीटर उनका चेस्ट होना चाहिए। अब बात करते हैं आपका फिजिकल इक्वेलेंसी टेस्ट यानी जो आपका फिजिकल होगा, फिजिकल में कुछ नहीं सिर्फ रनिंग है। रनिंग क्या है, सभी के लिए 5 किलोमीटर का रनिंग है, 24 मिनट का समय दिया गया है। इसमें क्या, सभी के लिए 5 किलोमीटर का रनिंग है, 24 मिनट का समय दिया गया था। अब वही परीक्षा की पैटर्न का बात कर लेते हैं तो देखिए जीके जीएस से आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथ से 25 क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश से 25 क्वेश्चन और रीजनिंग से 25 क्वेश्चन है, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के होंगे। और इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं है, तो बहुत अच्छा वैकेंसी है अगर जिनको जॉब लेना है, ठीक है ना, सीआईएसएफ हायर का भी है, बहुत बढ़िया जॉब है, आप इसको अप्लाई जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए ऐसा नहीं है कि हम आप सर एसएससी जीडी का हमने अप्लाई कर दिया, मेरा फिजिकल होने वाला है, किस लिए अप्लाई करें, 100 रुपए में कुछ नहीं जाता है मेरे भाई, अगर जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के हैं तो, बाकी एससी एसटी हैं तो 0 रुपए है, 100 रुपए कहीं नहीं जाता, इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कर देना है आप। हालांकि आपका एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो जाता है तो आप जाए या ना जाए आप पे डिपेंड करता है, लेकिन किसी कारण से अगर नहीं होता है तो आपके पास अफसोस ना हो कि सर हमने फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए, तो इसको 100 रुपए लग रहा है, फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। फॉर्म अप्लाई को आपको पता है 31 अगस्त से, जी 31 अगस्त से फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाएंगे, आप जाके 30 सितंबर तक इसको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल सिर्फ साइंस वाले ही बच्चे अप्लाई करेंगे, 12th पास, इसमें मैट्रिक वाले नहीं है बच्चे, तो आपको पता है कंपटीशन कितना कम हो गया है और इसमें कंपटीशन कम रहने वाला है, तो जॉब लेने का अच्छा सुनहरा मौका है। बाकी आपका एग्जाम का पैटर्न देख ही लिए है, कुछ अच्छा खासा रीजनिंग का है, मैथ का, हिंदी रीजनिंग, जीके जीएस का है, 100 क्वेश्चन है और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो बस ये जो वीडियो हमने आपको बताया था, ये वैकेंसी नया आया है और इस पे आपका कोई भी डाउट वगैरह रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। बस इस वीडियो में इतना सा ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और जाते जाते रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली घंटी को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।